प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में, प्रकट नवरात्रि के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दो प्रकार की नवरात्रि, जिनको शरदीय नवरात्रि कहते हैं और साथ में चैत्र नवरात्रि कहते हैं, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, वर्ष में दो गुप्त नवरात्रि होती है, तो वो उस नवरात्रि को समझने के लिए पूरी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, अभी चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च को मनाई गई थी और अब गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ रही है। और जनरली देखा जाए तो आषाढ़ मास में और माघ मास में गुप्त नवरात्रि का सेलिब्रेशन किया जाता है और इस समय माता रानी जो है हाथी पर सवार होकर लाएंगी गुप्त नवरात्रि में, और हाथी पे ही वो वापस भी जाएंगी। इसके लिए संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि आप सभी लोगों को आना चाहिए, जो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से हम लोग दिन का निर्धारण करते हैं माता रानी के आने और जाने का। उसका संस्कृत का श्लोक है, शशि सूर्य गज रूणा, शशि सूर्य गज रूणा, शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्र डोलायाम, बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। ये श्लोक है। इस श्लोक का मीनिंग क्या है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। इस श्लोक का पूरा मीनिंग क्या है, इस श्लोक का मीनिंग ये है कि जब हम लोग बात करते हैं शशि सूर्य गज रूणा, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, सूर्य का मतलब होता है सूर्य रवि, और गज रूणा मतलब जिस दिन चंद्रवार होगा यानी सोमवार, और जिस दिन सूर्यवार होगा यानी रविवार होगा, उस दिन गज पर आरूढ़ होकर माता रानी आएंगी। शनि भौमे तुरंग में, जिस दिन शनिवार या भौम यानी मंगलवार होगा, उस दिन माता रानी जो है तुरंग में मतलब घोड़े पे सवार होके आएंगी। और गुरु शुक्रो डोलायाम, गुरु या शुक्रवार का दिन है तो डोली पर बैठकर आएंगी। बुद्धे नौका प्रकीर्तिता, यानी बुधवार को माता रानी जो है नौके पर सवार होकर आएंगी। तो ये रहस्य जो है इसी के आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि क्या रहेगा ये समय। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली रहेगा। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ होगा वो 19 जून को प्रारंभ हो जाएगा। 19 जून को सोमवार पड़ रहा है और इस श्लोक के अनुसार सोमवार को अगर पड़ता है तो निश्चित रूप से गज पर आएंगी। 28 जून को ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। और दो नवरात्रि जो मनाई जाती है जिनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। उसको सबसे पहले ऋषि श्रृंगी ने सभी तक पहुंचाया था। ऋषि श्रृंगी ने ये बताया था कि अगर इस समय 10 प्रकार की महाविद्याओं को अगर आपको ग्रहण करना है, क्योंकि माघ और आषाढ़ ऐसे दो महीने पड़ते हैं जिसमें गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, तो 10 महाविद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। और 10 महाविद्याओं में अगर आप देखिएगा तो माता काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इसका त्रिपुर भैरवी, धुमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, ये सब 10 देवियां हैं जिनको तंत्र मंत्र सीखने के लिए हम लोग इनकी आराधना करते हैं। आप लोग ने कई बार बंगलामुखी का नाम सुना होगा, तो ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं। जो पूजा का मुहूर्त है वो 19 जून को प्रारंभ होगा, 28 को ये समाप्त होगा। और घट स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह 5:23 से 7:27 तक इसकी घट स्थापना कर सकते हैं, कलश को बैठा सकते हैं। और मुहूर्त जो रहेगा 11:55 से 12:50 के बीच में जो प्रतिपदा पड़ेगी उसमें आप इसको कर सकते हैं। ये इसका समापन जो रहेगा वो 28 जून को होगा। गुप्त नवरात्रि के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें गुप्त तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तांत्रिक सिद्धियाँ जब नाम सुनते हैं तभी समझ में आ जाता है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड ये गुप्त नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन
माता काली की आराधना करते हैं। माता काली को दसवीं महाविद्या कहा जाता है। उनकी साधना करने से धन, नारी और संतान की समस्याएं समाप्त हो जाती है। हाथी पर सवार माता देवी आ रही हैं और सभी को आशीर्वाद देंगी और इनके कारण जो पैदावार होगा इस समय फसलों का, हालांकि देखिए चक्रवाती तूफान इत्यादि चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख समृद्धि चारों ओर माता फैलाने के लिए आने वाली हैं। और इस समय क्या करना चाहिए कि माता रानी को श्रृंगार कीजिए, स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माता रानी को लाल रंग के गुड़हल, उन्हें बहुत ज़्यादा उनको प्यारे हैं तो गुड़हल को अगर अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और दूसरा जो है इसमें, क्योंकि जो लोग की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, उनको स्त्री सुख नहीं मिल रहा है, तो उन लोग ओम श्रृंग वर प्रदाय श्रृंग नमः मंत्र का जाप करें। पुनः एक बार बता देता हूँ, ओम श्रृंग वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करना चाहिए जिससे कि आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। तो देखिए हर बार ये मौका नहीं मिलता है लोगों को, गुप्त नवरात्रि का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जिनको तंत्र मंत्र सिद्धियां अगर सिद्ध करनी है तो उनके लिए निश्चित रूप से इस 10 महाविद्याओं का आपको गुप्त ज्ञान भी माता रानी प्रदान करती हैं। और इस दिन हवन जो है आम की लकड़ी से अंत में कर लेना चाहिए। तो ये गुप्त नवरात्रि की तिथि मैंने बता दिया, 19 से लेकर 28 जून तक रहेगी। और ये क्यों मनाया जाता है, ऋषि श्रृंगी ने क्या क्या बताया था, 10 महाविद्याएं क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको इस एपिसोड में समझ में आया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।